हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। तो देखिए, आज हम कुछ ब्रिक टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि कुछ नया हम करने का कोशिश करेंगे आज। देख सकते हैं, ये हमारा ब्रिक का मोल्ड है। ओके, एज लाइक ब्रिक साइज सेम 9 बाई 9 इंच का जो ब्रिक रहता है ना, लेंथ में सेम वैसा ही है, सेम एज इट इज़। और हमारा फर्स्ट एक रहेगा ये वाला लाइम का बारे में, लाइम वर्सेस सैंड, यानी कि चूना बोलते हैं ना, नॉर्मली चूना जो रहता है, चूना और रेत मिलाए तो किस तरह का एक रिजल्ट आता है वो आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। वो वन पार्ट एक कप ये है, तो 3 कप जो है हम लेते हैं रेत। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का ये वन पार्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं ये वाला। तो इस तरह का 1 पार्ट ऑफ लाइम एंड 3 पार्ट ऑफ सैंड। लेट्स सी। फर्स्ट पूरा मिला लेते हैं, कंप्लीट जितना भी है उतना। तो अब तक हम डाले हैं 2 भाग, अभी एक दूसरा। तो ये हमारा हो गया लगभग 1:3 के हिसाब से 3 बार मिलाया है। ओके, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये ऑलमोस्ट फिलअप हो गया है, अभी हम नेक्स्ट इसको दोबारा आपके 3 हुए इसके। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि इसको पूरा अच्छे तरीके से मिलाना है, फिर नेक्स्ट दूसरा स्टेप आ जाएगा। अब इतना कुछ हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप है पानी, पानी से पूरा मिलाना। चलिए मिलाते हैं पानी। पानी जो है रिक्वायरमेंट के अनुसार मिलाना। फर्स्ट टाइम चेक कर रहा हूँ, पता नहीं ये लाइम में उतना पावर रहता है नहीं, एज लाइक बॉन्डिंग पावर रहता है नहीं, कुछ डाउट लग रहा है मुझे भी। अगर ये ठीक से नहीं बैठ पाया या फिर अच्छा मिलावट नहीं हो पाया तो ज़रूर हम दूसरा ऑप्शन जैसे कि सीमेंट ऐड कर सकते हैं उसके अंदर भी। ठीक है जी, तो लग रहा है कि ये फेल है काम। तो इतना सब करने के बावजूद भी हमें जो चाहिए वो हो नहीं पाया, तो इसमें अब क्या करते हैं अपन। जैसा यहाँ पे ऐड किया था ना, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट लाइम और 3 पार्ट ऑफ सैंड, इसमें क्या है
एक पार्ट सीमेंट डाल के देखते हैं, फिर नेक्स्ट कुछ चेंजेस आ जाएगा देखेंगे, या फिर तीन के बदले ये लाइन जो है ना और एक पार्ट डाल के देखते हैं 2:3 के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर कुछ चेंजेस, जैसे ये दो वन पार्ट है ना, इसको दो पार्ट कर देते हैं। सो 2:3 लेट्स सी। टू इज टू थ्री लग रहा है कि अच्छा स्टिफनेस बन रहा है। चलिए अब हम थोड़ा सा पानी मिला के मोल्ड में डाल लेते हैं, ये वाले मोल्ड में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हो गया पूरा हमारा, ये रेडी हो गया। अच्छा, इसमें दो भाग 2:3 के हिसाब से डाले गए, यानी कि डेढ़ पार्ट, 1.5 पार्ट लाइम रहा तो तीन भाग जो है, 1 पार्ट लाइम एंड 1.5 पार्ट सैंड। अभी हम मोल्ड में डाल रहे हैं। तो पानी का मात्रा भी कुछ ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं, जस्ट मीडियम मीडियम पानी डाले गए। एंड इसका क्या रिज़ल्ट होता है क्या नहीं, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगा ज़रूर। एंड इसमें और दूसरे टाइप भी है, जैसे कि एक बार हम थोड़ा सा सीमेंट डाल के देखते हैं वही रेशियो में। तो फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एंड वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। एंड आपका कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो मेरा अकाउंट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और आपको इन फ्यूचर में किस टाइप में चाहिए वो भी बताइएगा, हम ज़रूर बना बना के दे देंगे आपको, कोशिश तो ज़रूर करेंगे। ओके सो इन दिस वे एज यू कैन सी Okay friends, how you felt about this video? Do like, share, subscribe. Thank you for your precious time. देखने में भी मस्त लग रहा है, एकदम क्रीमी। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन सीमेंट।
ओके सीमेंट एंड रोबो सैंड. थैंक यू.